हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। कैसे हैं आप सभी गाइस? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप फाइनल काउंटडाउन अपना स्टार्ट हो चुका है एग्जाम का, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आज जिस टॉपिक के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, पावर सिस्टम जनरेशन के, चाहे आप यूपीपीसीएल जेई का पेपर देने जाए या एसएससी जेई का पेपर देने जाए, डिप्लोमा और जेई लेवल पे इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पावर सिस्टम में आफ्टर द प्रोटेक्शन। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मैं आपके लिए गाइज लेकर आया हूं, ये जो कुछ सेशन है ये बहुत अच्छा है, सारे प्लांट्स को अपन कवर करेंगे, हर एस्पेक्ट को टच करते हुए चलेंगे जिससे तुम्हारा एक बार में ही रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को गाइज। अगर आप गेट, ईएससी, एई, जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है। गेट और ईएससी के अंदर आपको गेट और ईएससी का गोल सेलेक्ट करना होगा, और एई और जेई के लिए हमारी टीम आपको एसएससी एग्जाम्स के अंदर ही मिलेगी, ठीक है गाइज? तो यहां पर आप राहुल 11 कोड के साथ जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा एग्जाम्स के लिए। चलिए तो गाइस क्या एडवांटेज है, देखो ये सारे के सारे इतने सारे एडवांटेज है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द यूट्यूब एंड प्लस। तो प्लस के अंदर आपको सारी चीजें सेंट्रलाइज मिलती है, एक जगह पर मिलती है, और सबसे बड़ी बात आपको फ्रीडम मिलती है पढ़ने की। चाहे अगर आप मुझसे मशीन्स, पावर सिस्टम, नेटवर्क पढ़ रहे हो तो आपको लगा कि मैं कहीं और से भी पढ़ूं और दूसरे टीचर से भी पढ़ के देखूं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? ये फ्रीडम आपके पास है। मान लो आप एक सब्जेक्ट मुझसे कंप्लीट करते हो, दूसरा दूसरे टीचर से, तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, आप चीजों को एफिशिएंटली सीखो भी और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पर आप क्विज होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, ये सब कुछ मिलता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या किसी को रेकमेंडेड करना चाहते हैं तो राहुल 11 कोड के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए गाइस ये एडवांटेजेस हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस। आप ऐप को क्यों इंस्टॉल करें सर आपके? अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना तो मैं आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस देता हूं डेली, वो भी फ्री। आप इन क्लासेस को कीजिए और क्वाइंस को अर्न कीजिए, इन क्वाइंस से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, गोल को सेलेक्ट करो, यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स, यहाँ पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, अदरवाइज ऐप के अंदर ही आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है गाइस? आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, सारे टीचर्स मिलेंगे, टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के, और यहां पर आप कोड लगा सकते हैं। बताना इसलिए जरूरी होता है, बहुत बार मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें ज्यादा पता नहीं होता सब्सक्रिप्शन के टाइम में, और कोड बिना लगाए वो स्टूडेंट आ जाते हैं, तो ठीक है आपको पता होना चाहिए कहां पर आपको कोड अप्लाई करना है। तो प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करिए, उसके बाद क्या होगा, आपको इस तरीके से आप अपने किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। मैं आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रहा हूं मॉर्निंग में 9 to 11 AM, ठीक है? कार्ड, UPI, वॉलेट, EMI किसी से भी पे कर सकते हो और रिडीम कर सकते हो यहाँ पर आप अपने क्वाइंस को, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। चलो अब बात करेंगे यार, आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं सर। UPPCL जेई का बचे वो तो आप UPPCL की साइट पे जाके उनसे बात करो, ठीक है? इसमें अपन नहीं कर सकते। एग्जाम कैंसिल हो नहीं हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा काम पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का, और ये कर्म प्रधान दुनिया है, ठीक है? यहां कर्म अपना करते रहो और आपको फल मिल ही जाएगा, ठीक है? ऊपर वाले की कृपा से। ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं यार। अब देखो सबसे पहली बात है, आप इस हाइड्रो पावर प्लांट को देख लो, ठीक है? हाइड्रो पावर प्लांट को एक बार देख लो क्योंकि इसी के क्वेश्चन अपन करने वाले। यहां रिजर्वायर है,
यहाँ सर्ज टैंक है, यहाँ पेन स्ट्रोक है, यहाँ टर्बाइन है, यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है। तो एक तरीके से इसे एक बार देख लो, यह आपकी ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस मैं लूंगा आफ्टर द एसएससी जेई एग्जाम, ठीक है, आफ्टर द एसएससी जेई एग्जाम वो भी करा दूंगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताएं। ये बताओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से किलो वोल्ट जो आप प्रोड्यूस करते हैं पावर का, इलेक्ट्रिक पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या है। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, और ये फॉर्मूला तुम्हें रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी स्टूडेंट ने गलत आंसर नहीं, यार देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने ये लगाया, W यहां पर आपका क्या हो गया, वाटर की डेंसिटी, Q यहां पर हो गया आपका चार्ज का फ्लो, ठीक है, वाटर का फ्लो, H यहां पर हाइट हो गई आपकी हेड की, और N यहां पर होगी आपकी एफिशिएंसी। तो ये आपका फॉर्मूला 0.736/75 W³ H σ। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब देखो डैम की पावर होती है कांस्टेंट भाई, अगर एक डैम 40 मेगावाट बना सकता है तो 40 ही बनाएगा। तो अगर आप यहां पर पावर को बढ़ाना चाहते हो तो यार यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आपका जो चार्ज होगा वो कम होगा, क्योंकि तो यहां पर हाइट ज्यादा तो चार्ज कम, ठीक है, स्पीड कम, और अगर हाइट कम तो चार्ज ज्यादा, समझ गए बात। इसलिए छोटे कापलान वाले के अंदर चार्ज ज्यादा होता है और बड़े डैम पेल्टन वाले में आपका चार्ज कम होता है, ठीक है, ये इस वजह से होता है। चलो यस, केजी किलो, यहां पर वाटर की डेंसिटी आप इसी में ही लेते हो। फॉर्मूला नेक्स्ट आ रहा है यार, अप्लाई कर दो, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ यार, यस, इसलिए हाई हेड लो डिस्चार्ज, बहुत अच्छे मंजीत, शाबाश बच्चे। दूसरा क्वेश्चन यही है आपका, बताओ बच्चे यहां वैल्यू कितनी होगी आपको, अगर मैं डिस्चार्ज दे दूं 1 m³/s का, आपको मैं हेड दे दूं 1 m का, और आपका अल्टरनेटर इन 1 आवर के अंदर 100% एफिशिएंसी के साथ कितनी पावर जनरेट करेगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर माय डियर। बहुत बढ़िया, सेम वही फॉर्मूला उसने पूछ लिया है, सेम वही फॉर्मूला उसने पूछ लिया माय डियर, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा किलोवाट में जब करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 736/75 kW आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा माय डियर, सभी के सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताओ बेटा, आपको एक यूटिलाइजेबल वाटर कैचमेंट एरिया दिया गया है जिसके अंदर इतना क्यूसेक पानी आ सकता है, हाइड्रो डैम का हेड 40 m का है, जनरेटर आपका आइडियल है, टर्बाइन भी आपका आइडियल है, तो एफिशिएंसी 1 हो गई, सबको पता है, तो पावर कैन बी थ्योरिटिकली जनरेटेड इज, ठीक है, बताओ क्या होगा। थ्योरेटिकली पावर जो जनरेट होगी उसका आंसर क्या होगा यार, सेशन को शेयर कर दो एक बार। अब देखो मैं थोड़ा सा आप सबको यहां पर बता देता हूं माय डियर,
काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। क्या यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि सर यहां पर जो क्यू दिया है वो क्यू जो है आपका मीटर क्यूब एनुअली दिया गया है। किसमें दिया गया है यार? एनुअली दिया गया है, जबकि क्यू की वैल्यू किसमें होनी चाहिए? मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो यानी इस क्यू की वैल्यू निकालो तो साल में दे रखा है, सेकंड में लाना है। तो बेटा एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 × 60 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.902 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद क्या करो, फॉर्मूला लगा दो 735 बाय 75। ठीक है, वाटर डेंसिटी आप ले लो, हमें इसमें किलो में कन्वर्ट करना है -3। ठीक है, 1.902 मल्टीप्लाई बाय 40 हाइट मल्टीप्लाई बाय 100%, आपको आंसर मिल जाएगा 750 किलोवाट। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? 750 किलोवाट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 750 किलोवाट। ठीक, दिस विल बी द आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे यूपीपीसीएल जेई के लिए जा रहे हैं भाई, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। ये जो फॉर्मूला यहां दिया गया है, इस फॉर्मूले पे आजकल क्वेश्चन फ्रेम होने लगे हैं, और लास्ट ईयर भी हुए थे, इस बार भी होंगे। ठीक, चलो, तो यहां सारा गेम किसका था? सर क्यूब मीटर एनुअली दे रखा है ना, और हमें लेकर आना है इसे बेटा किसमें? मीटर क्यूब पर सेकंड में। वाह, मैं पढ़ाता क्या हूं और स्टूडेंट पूछने क्या आता है? बेटा कौन सी मोटर के बारे में बात कर रहे हो? लोड एंगल सिलेंड्रिकल का 90 मैक्सिमम के लिए, और सेलियंट का लेस देन 90। गजब बच्चे हो यार, तभी तो पढ़ाता कुछ और हूं तब चलता है मशीन, मशीन पढ़ाऊंगा चलेगा पावर सिस्टम। नेक्स्ट बताया आंसर। बेटा वो इसलिए नहीं आ रहा मिस्टर करण वर्मा, बच्चे आपने चीजों को पढ़ नहीं रखा, आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट जहां से भी आपने पढ़ रखा है वहां से एक बार रिवाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट। बता बेटा हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर कॉस्ट कैसी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट? बहुत बढ़िया, शाबाश माय डियर, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए गुरुजी, क्योंकि पानी, पानी का कोई खर्चा नहीं, तो पानी चल, अगर कोई चीज पानी से बिजली बना रही है तो उसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, इतना बड़ा डैम, उसमें कॉन्क्रीट, मजदूर, तो इनिशियली आपको लैंड एक्वायर करना है, लोगों को शिफ्ट करना है। ठीक है, इतना बड़ा बिल्ड सिस्टम बिल्डअप करना है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो सस्ती होती है लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। बताओ बेटा एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है? हाइड्रो पावर स्टेशन के मुकाबले आपका ओवरऑल, नहीं बेटा पैसे वाली बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट पैसे वाली बात। ठीक है, क्योंकि राहुल सर ने आपको, सुनो मेरी बात मिस्टर करण जो भी तुम हो, राहुल सर ने पावर जनरेशन के 15 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? राहुल सर तुम्हारे घर आए और तुम्हें बताएं कि सर बच्चे देख लो वीडियो, भैया यहां प्लेलिस्ट में देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट। यहां आके एजुकेटर को ये बोलना भाई ये शोभा नहीं देता, एक बार जाके देख लो। ठीक है, यकीन नहीं आता तो रुको, तुम जैसे बच्चों को यार समझाना बड़ा मुश्किल है, क्लास के टीचर के सामने कुछ नहीं कह सकते, बट ऑनलाइन के टीचर को कुछ भी कह दो। लो तुम्हारे लिए, लो बेटा पावर सिस्टम जनरेशन बाय राहुल सर, इसके अंदर हाइड्रो डैम के 4 लेक्चर हैं, और इतना पढ़ाया है
कि आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, सारे सवाल बनेंगे, अब आपकी मर्जी है। नमस्कार। क्या यार, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ भी कर लो यार, तुम्हारे लिए उतना ही कम है। चलो बच्चों, दुख होता है यार, मत करा करो ये सब, असली एजुकेटर टीचर्स को दुख होता है, ठीक है, मत करा करो। ठीक है बच्चों, आ जाओ यार, पढ़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ देखो यार, अभी मैं अपन लोगों ने बात करी थी, शुक्रिया गाइस, जो बच्चे जानते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सर अभी आपने हमें रटवा दी बात कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है हाइड्रो पावर स्टेशन की लो होती है। ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, यानी कोयले का खर्चा ज्यादा, पानी का खर्चा कम। नेक्स्ट, चलो बेटा, पेन स्टोक इज यूज टू कॉन्डुइट बिटवीन, बताओ बेटा पेन स्टोक किसके किसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है, किसके किसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। पेन स्टोक जो होता है बेटा, जो कॉन्ड्यूट, एक पाइप होता है, कॉन्ड्यूट का मतलब पाइप, तो किसके बीच में करता है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश गाइस, सर इसका आंसर तो रटा हुआ हमें, डैम और टरबाइन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है, यानी डैम से पानी लेकर सीधा टरबाइन में जाता है। किसी बच्चे को क्लियर ना हो तो बच्चे आप इस पिक्चर को देख सकते हो, देखो पेन स्टोक डैम से लेकर ये पाइप जा रहा है और ये आपको लेकर जा रहा है टरबाइन में। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ बेटा, ये बताओ बेटा, सर्ज टैंक जो होता है वो किस टाइप के पावर प्लांट में होता है, हाई हेड, लो हेड, मीडियम हेड या थर्मल। बताओ बेटा, सर्ज टैंक, सर्ज टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे के पूरे हाइड्रो पावर प्लांट में। क्या बात है शिवा, मंजीत, पवन, तूफानी, आलोक, खुशबू, दीपक, साची, बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी। हाई हेड डैम के अंदर होता है, आप सबको पता है कि जब लोड घटता बढ़ता है तो टरबाइन के अंदर बच्चे पानी की डिमांड भी घटती बढ़ती है, और जब पानी की डिमांड घटती बढ़ती है तो पानी का प्रेशर क्या होता है पेन स्टोक के अंदर, बदलता रहता है, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो उससे कंपन पैदा होते हैं पेन स्टोक के अंदर। तो पेन स्टोक के अंदर बेटा पैदा होता है वाटर हैमरिंग इफेक्ट, वाटर हैमरिंग इफेक्ट, और वाटर हैमरिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सर्ज टैंक की। ये लास्ट ईयर यूपीपीसीएल की पहली दूसरी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन थे। तो हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट ऑप्शन नंबर है, शाबाश बच्चे। तो ये क्या एलिमिनेट करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट होता किसमें है, पेन स्टोक में, ठीक है। तो वाटर हैमरिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, सर्जी सर्ज टैंक ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बच्चे, ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है, ड्राफ्ट ट्यूब पावर हाइड्रो पावर स्टेशन में कहां पर पाइप लोकेट होता है, बताओ बच्चे, वेयर इज द ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन दैट इज एन एयर टाइट पाइप लोकेटेड, कहां पर होता है। ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब बताओ किस किस के बीच में लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं
ये देखो ईएससी में आज से 12-13 साल पहले का क्वेश्चन है, तो जेई में डेफिनेटली फ्रेम हो जाएगा। शाबाश सर जी, रनर के बीच में और टेल रेस के बीच में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बपन, सारे सबका सबका पता रहता मेरे को, जो एक बार कनेक्ट हो गया सबका याद रहता है, अगर तुम YouTube में नाम ना बदलो तो। चलो ऑप्शन नंबर सी रनर। अब देखो मैं दिखा भी देता हूं बच्चे, ये रही आपकी ड्राफ्ट ट्यूब, और ये होता है जिसमें पानी जाके गिरता है वो होता है टेल रेस, ये होता है आपका टरबाइन, इसी को मेरे बच्चे कहते हैं रनर। और देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो चौड़ी होती चली जाती है, क्योंकि तो एरिया बढ़ेगा तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि तो जब टरबाइन से पानी निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है उसमें, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्राफ्ट ट्यूब का एरिया बड़ा करना पड़ता है, और जिससे पानी का प्रेशर कम हो जाए और टेल रेस से बाहर ना निकले पानी। चलो माय डियर, दिस इज द क्लास फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ना है पावर प्लांट डिटेल में मैकेनिकल में तो विशाल सर से पढ़ सकते हो। ऑप्शन नंबर सी फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बताओ बेटा, बताओ बेटा, फॉर वेरिएबल हेड ऑफ द नियर अबाउट द बट लेस देन 30 मीटर, अब ये याद रखना है 30 मीटर से कम, ठीक है, तो ऐसे जितने भी होते हैं कौन से वाले होते हैं, ठीक है समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं सब चीजें। सर जी कापलान, तो बेटा कापलान, कापलान का हेड क्या हो गया लो, लेकिन यहां डिस्चार्ज कैसा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर डैम मिलता है उड़ीसा में तो वहां पर क्या हेड लो है लेकिन डिस्चार्ज ज्यादा होगा जिससे आप पावर को प्रोड्यूस कर पाए, तो वहां कापलान टर्बाइन यूज करेंगे, ठीक है। भाकड़ा नांगल में हेड ऊंचा है तो पेल्टन का यूज करेंगे, बताओ बेटा। लो वेरिएबल वाटर हेड्स के लिए सुटेबल हाइड्रोलिक टरबाइन कौन सा होगा, बताओ बच्चे, है ना, तो यहां पर बताओ, बहुत बढ़िया, बताओ फॉर हार्नेशिंग लो वेरिएबल वाटर हेड, ठीक है, सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन, बिल्कुल सही सर, अभी अभी आपने बताया। अब देखो यहां से मजेदार बात देखो, दैट विल बी द रिएक्शन टर्म, तो यहां पर कापलान फ्रांसिस ये कैसे टर्बाइन है सर जी, रिएक्शन टर्बाइन है, पेल्टन कैसा टर्बाइन है सर जी, इंपल्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट बताओ। अब बेटा हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए, हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा वाटर टर्बाइन यूज करोगे आप, हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा वाटर टरबाइन आप यूज करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए आप कौन सा वाटर टरबाइन यूज करेंगे, पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन जिसे इंपल्स टरबाइन भी कहते हैं, तो यहां पर हेड हाई होगा लेकिन डिस्चार्ज लो होगा, ऑप्शन नंबर ए। शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी ने सही आंसर दिया यहां पर, नेक्स्ट। ये बताओ बेटा स्पेसिफिक स्पीड जो होती है टरबाइन की
वो कौन सी इक्वेशन से दी जाती है? नो 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 बच्चे, वो थ्री जॉर्ज डैम है, ठीक है, थ्री जॉर्ज डैम, बिल्कुल सही जवाब दिया, जिसे चाइना ने ब्रेक भी कर दिया लास्ट ईयर। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है मंजीत, बहुत बढ़िया, बताओ। हाँ, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है टर्बाइन की, वो कौन सी इक्वेशन से दी जाती है? अब देखो, इसमें बच्चा ए भी आंसर देगा और सी भी आंसर देगा। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है भाई? एक यूनिट हेड के नीचे आने पर एक हॉर्स पावर बन जाना, एक यूनिट हेड के नीचे आने पर एक हॉर्स पावर बन जाना। तो मेरे बच्चे, किताबों में गलत है, जो उसने भी आंसर ए दिया है वहां पर आप सब मिस्टेक करते हो। टर्बाइन के लिए आपको हमेशा 5/4 फॉर्मूला लगाओगे, 1.25। और जिस बच्चे ने भी ये वाला आंसर दिया है, याद रखना बच्चे, ये लगता है पंप के लिए, ठीक है, दैट विल बी पंप, 3/4.75, ठीक है, 0.75, ये स्पेसिफिक स्पीड होती है, ठीक है। तो सी करेक्ट है यहां पर, सी इज द करेक्ट वन, एंड दिस इज फॉर पंप। होता क्या, बहुत बार जो राइटर्स होते हैं वो पंप की स्पीड को ही टर्बाइन की स्पीड बता देते हैं, बिल्कुल, दैट विल बी द पंप, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, सी। नेक्स्ट बताओ बेटा, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है वाटर टर्बाइन की, एट विच टर्बाइन डेवलप्स? बताओ बेटा, यहां पर वही वाली जो अभी मैंने आपको बताया था, जिस बच्चे ने बात ध्यान से सुनी होगी तुरंत आंसर दे सकता है कि टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। सर अभी आपने हमें बताया था एक यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड, एक यूनिट हॉर्स पावर एट यूनिट हेड ये होती है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है सर कि अगर एक यूनिट पानी ऊपर से कम होता है तो टर्बाइन को एक हॉर्स पावर बना देनी चाहिए। एक यूनिट पावर, अगर एक यूनिट आपकी टर्बाइन डैम से कम हुई वाटर की, तो वाटर टर्बाइन जो है एक एचपी प्रोड्यूस कर दे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले नेक्स्ट। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कापलान फ्रांसिस एल्टन, बताओ बेटा इनमें से कौन से ऑर्डर में लगाएंगे आप कापलान फ्रांसिस पेल्टन की स्पीड को? बिल्कुल सही सर जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, पहले कापलान की स्पीड, फिर फ्रांसिस की स्पीड, और फिर हमारे पेल्टन की स्पीड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस कापलान, नेक्स्ट बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के लिए। बताओ, ए पम्प्ड स्टोरेज इज ए पीक प्लांट, ये स्टेटमेंट है। स्टार्टिंग टाइम ऑफ पम्प्ड स्टोरेज प्लांट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। रिवर्सिबल टर्बाइन एंड पंप्स आर यूज्ड इन द पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। यह पम्प्ड स्टोरेज प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल।
देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको, आपको दो बातें पता है क्योंकि तो सर आप बता चुके हमें जो पम्प स्टोरेज प्लांट होता है वो पीक लोड प्लांट होता है, तो पहला कथन तो सबका राइट है। और जो भी पीक लोड प्लांट होता है उसका स्टार्टिंग टाइम कम होता है, और ये कह रहा है कि इसका स्टार्टिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड वाला ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर रिवर्सिबल टर्बाइन और पंप यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को स्थिर बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर लोड बढ़ेगा तो टर्बाइन जो स्पीड है जनरेटर की वो घटेगी, तो सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लोड को कंपनसेट करेंगे जिससे स्पीड बढ़ जाए सिंक्रोनस की और फ्रीक्वेंसी सेटअप हो जाए, तो इसे कहते हैं लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, सेकंड नहीं होगा तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा, तो पहला भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। ठीक है गाइस, चलिए तो यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो हाइड्रोपावर प्लांट के लिए। कि सबसे पहली बात, यहां मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे लेस होती है, एफिशिएंसी इसकी सबसे ज्यादा हाई होता है 85%। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल इसकी सबसे ज्यादा होती है 50 साल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, और इरिगेशन पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाइड्रोपावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप बेस लोड की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो और पीक लोड की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेस लोड के लिए आपका रन ऑफ रिवर और पीक लोड के लिए आपका पंप स्टोरेज, और अगर किसी भी डैम के पास रन ऑफ रिवर भी है पंप स्टोरेज भी है तो ये प्लांट बेस लोड के लिए भी यूज होगा एंड पीक लोड के लिए भी यूज होगा। ठीक है, शुक्रिया बच्चे, आपके ये कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं कि एज एन एजुकेटर मैं इस चीज में सफल हो पा रहा हूं, आपको हकीकत का पता चल रहा है। ठीक है ना, कि क्वेश्चंस और डेप्थ कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें होती है और वन लाइनर को रटना क्या चीज होती है। तो बेटा ये लेआउट है, इस लेआउट को आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो। ये लेआउट किसका है भाई, ये लेआउट है आपका थर्मल पावर प्लांट का। तो एक बार देख लो सभी के पार्ट को, और अब अपन थर्मल पावर प्लांट पे क्वेश्चन करने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं वो कौन से उस पर काम करते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं वो कौन सी साइकिल पर काम करते हैं। बताओ, बहुत ही बढ़िया गाइस, शाबाश सर जी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, दिमाग के अंदर आपने सेट कर दिया बहुत पहले कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो रैंकाइन साइकिल पर काम करते हैं। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी अगर पूछी जाए तो भाई 30-40% बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। ठीक है, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पर आपका कौन सा काम करते हैं, डीजल पावर प्लांट, हीट इंजन साइकिल पर कार्नोट साइकिल यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिमाग में सेट रहा। नेक्स्ट लो बेटा,
रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी बताएं स्टीम पावर प्लांट के लिए, रैनकाइन साइकिल के लिए एफिशिएंसी बताएं स्टीम पावर प्लांट के लिए किस रेंज में होती है। इसमें किसी को शक है? नहीं सर जी, बिल्कुल भी नहीं। अभी बताया 30 से 40, तो 30 से 45 वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप खुद देख लो, जहां पर भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई, थर्मल इंजीनियरिंग आ गई, थर्मोडायनेमिक्स आ गई, इतना हीट लॉस होता है कि जिसकी वजह से प्लांट की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। अब हाइड्रो में देखो 85% थी। नेक्स्ट बच्चे, रीहीट क्यों करा जाता है हर साइकिल को? स्टीम पावर प्लांट के अंदर हर साइकिल पर रीहीटिंग क्यों करी जाती है? रीहीटिंग क्यों करी जाती है, क्यों जरूरी है रीहीट करना? कि बॉयलर के अंदर पानी भेज रहे हैं इकोनोमाइजर में, गैसेस में से गर्म करके, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। फीड वाटर पंप भेज रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साइकिल में? शाबाश शाबाश गाइस, सर जी जिससे आप इंप्रूव कर सकें थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी, क्योंकि रैनकाइन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? गुरु जी टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, ठीक है ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए बेटा, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इनकी स्पीड आपको, इनके टर्बाइन्स की स्पीड बहुत ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी बताओ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन की, ठीक है, नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन की अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी बताइए। बिल्कुल गाइस, शुक्रिया आप सबका। अब देखो यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, कुछ बच्चे सी बोलेंगे कुछ भाई मेरे याद रखो, तुम सबसे अगर रेंज पूछेगा एफिशिएंसी की थर्मल पावर प्लांट की तो 30 से 40 आंसर दोगे, और अगर कोई वैल्यू पूछ रहा है तो भाई 28% दोगे। तो यहां पर 25 तो कम है ना 28 से, तो अप्रोक्सीमेटली 30, और जितने भी मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट है उन सब की एफिशिएंसी आज की डेट में 40% डिजाइन है, समझ के बात। तो ऑप्शन नंबर ए, तो अगर रेंज पूछेगा सर 30 से 40, और अगर कोई वैल्यू पूछेगा तो 28%, ठीक है। तो आई होप दैट पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। और रैनकाइन की एफिशिएंसी पूछेगा तो 30 से 45 या 40, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट की बेटा, वो 35% तक ही क्यों होती है? इतनी कम एफिशिएंसी मिलने का कारण क्या है? इतनी कम एफिशिएंसी मिलने का कारण क्या है? इतनी कम एफिशिएंसी मिलने का कारण क्या है? बहुत बहुत ही अच्छा आंसर दिया है सारे बच्चों ने कि सर आपका जो कंडेंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए देख लेते हैं,
जिससे थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। सर ये वाला जो पार्ट है, यहां पर स्टीम आके लो प्रेशर में आ जाती है और तापमान जो है टेम्परेचर यहां पर गिर जाता है। तो जब लो प्रेशर हो टेम्परेचर कम हो तो माय डियर व्हाट विल हैपन, प्लांट की एफिशिएंसी गिर जाती है। समझ के बात, प्लांट की एफिशिएंसी गिर जाती है। उम्मीद करता हूं यार यहां पर कोई भी पॉइंट में तुम्हारे दिमाग से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाई एनर्जी लॉस क्योंकि स्टीम को ठंडा करना पड़ता है, जब टरबाइन से बाहर निकलती है तो प्रेशर घट जाता है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इन थर्मल स्टीम पावर प्लांट, इनमें से कौन सी चीज रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है। हाँ बच्चों आज तुम सब क्या इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है कि आज अपन 100 के पार हुए, वो भी दोपहर के 12 बजे वाले सेशन में। बस तुम सब सिलेक्शन लो, अच्छे से पेपर करके आओ यार, किसी से खुशी मिलेगी अपने को। बहुत बढ़िया है सर जी। अभी आपने हमें एक बात बताई थी कि रैंकाइन को टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और प्रेशर भी ज्यादा चाहिए, तो हाई प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आपने हमें खुद बताया कि एक एक स्टेज पर हम वाटर का लेवल टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो रीहीट करते हैं एफिशिएंसी बढ़ती है हर इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज पर। और यहां पर अगर पानी ठंडा भेजेंगे बॉयलर के अंदर तो समय लेगा स्टीम में बदलने में, और अगर कोई भी गर्म चीज पर ठंडा पानी गिरेगा तो उस वहां पर मटेरियल फैटीग होगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, ठीक है। रैंकाइन इंप्रूवमेंट भी होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रीहीटिंग एट इंटरमीडिएट स्टेज, और पानी को भी बॉयलर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करके भेजते हैं। ऑप्शन नंबर डी बेटा। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर कितनी होती है थर्मल पावर प्लांट में? एफिशिएंसी ऑफ ए बॉयलर यूज्ड इन द मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट इज इन ऑर्डर ऑफ 24 तारीख को है बच्चों का पेपर। बहुत ही बढ़िया गाइस, शाबाश। पूरे प्लांट में अगर आपसे कोई एक ये क्वेश्चन पूछे पूरे प्लांट का सबसे एफिशिएंट डिवाइस कौन सा है, तो एक ही आंसर दोगे सर, बॉयलर। बॉयलर एफिशिएंसी इज मच मोर हायर देन एनी पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी देख लो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते ही हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। एनजी और इन दोनों को मिलाकर बनती है थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि ये बॉयलर ये टर्बाइन ये जनरेटर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल। तो ये फॉर्मूले पर आपको एसएससी जेई के अंदर भी और आपके यूपीपीसीएल जेई में हर जगह क्वेश्चन में ये मिलेगा। नेक्स्ट, चलो ये तो 85 रिपीट हो गया बेटा। जो आपका स्टीम पावर प्लांट होता है इन इंडिया, क्या रेंज होती है स्टीम प्रेशर की? स्टीम पावर प्लांट बॉयलर के अंदर आपके स्टीम प्रेशर की रेंज कितनी होती है? हाँ, बॉयलर भी यहां दो टाइप के हैं बेटा, याद रखना, वाटर ट्यूब फायर ट्यूब। ये सब बातें मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, बेटा जो 250 तुम बात कर रहे हो ना वो क्रिटिकल प्रेशर होता है दिनेश,
दोनों बातें अलग अलग है। द प्रेशर एट विच, जिसके ऊपर वाटर क्या हो जाता है, सेचुरेशन पे पहुंचता है, नमी खत्म हो जाती है उस पर, ऑप्शन नंबर ए 110 से 170 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब बताओ यहां पर क्रिटिकल स्टीम का रेंज कितना होता है? क्रिटिकल स्टीम रेंज कितना होता है? अब इसका आंसर आप सब दे दोगे, बताओ जो क्रिटिकल प्रेशर होता है स्टीम का वो किस रेंज में होता है? सर जी अभी आपने बताया था तो अब तो कोई शक है ही नहीं हमें, ऑप्शन नंबर सी 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इन सुपर हीटर बताओ बेटा, सुपर हीटर के अंदर क्या होता है? व्हाट विल हैपन इन द सुपर हीटर? टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर घटता है, क्या होता है आप बताओ टेम्परेचर और प्रेशर के साथ? शाबाश गाइस, सर जी ऑप्शन नंबर सी। आओ थोड़ा देख लेते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉयलर से सीधा टर्बाइन में स्टीम पहुंचा देते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं। हम तो बड़े लोग हैं नहीं यार, हम टीचर आदमी, तो बॉयलर और टर्बाइन इनके बीच में होता है माई डियर सुपर हीटर। क्योंकि बेटा बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसमें होती है नमी, और अगर ये नमी डायरेक्ट टर्बाइन के अंदर जाएगी तो टर्बाइन क्या हो जाएगा, टर्बाइन विल गेट डैमेज ड्यू टू द रस्ट, जंग लगेगी। तो हम इसके अंदर सब प्रेशर को तो कांस्टेंट रखते हैं और तापमान को बढ़ा देते हैं और तापमान कर देते हैं 540 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखो। ठीक है, तो बॉयलर से टर्बाइन में एकदम से स्टीम नहीं जाती, वो बचपन वाला जो थर्मल पावर प्लांट है 8वीं 9वीं का वो भूल जाओ, सबसे पहले सुपर हीटर लगता है बीच में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो गैसेज आती हैं वो फ्लू गैसेज आती हैं, यानी जो बॉयलर की भट्टी होती है उससे जो गैसेज निकलती हैं उन्हें एक रास्ता दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखो। तो यहां सुपर हीटर के लिए अलग से बिजली नहीं लगानी पड़ती, टर्बाइन की ही हीट का इस्तेमाल कर लिया, बॉयलर की हीट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप दैट पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। तो ऑप्शन नंबर सी। और बेटा प्रेशर कैसे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ाई है, उसी के अकॉर्डिंग अपन इस नियम को अप्लाई करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बताओ विद इन द बॉयलर स्टीम हैज हाई टेम्परेचर इन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टीम का सबसे ज्यादा तापमान प्लांट के किस हिस्से में होता है? सुपर हीटर, शाबाश बच्चों, सुपर हीटर, सुपर हीटर इज द राइट आंसर। सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज, बता बेटा सुपर हीटर स्टीम जो होती है वो कैसी होती है ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
यहां पर ध्यान से आंसर देना। यहां थोड़ा सा यार अपडेट कर लो अपने आप को। एट ए प्रेशर लोअर देन मैक्सिमम साइकिल प्रेशर, इसमें प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है ना, सैचुरेट, ठीक है। तो यहां पर यह बात याद रखना, यहां पर प्रेशर जो होता है मैक्सिमम साइकिल प्रेशर से कम रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टर्बाइन के अंदर जाने पर तभी प्रेशर बढ़ेगा, उससे पहले प्रेशर नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम साइकिल प्रेशर से लोअर रहेगा प्रेशर। नेक्स्ट, स्टीम इज सुपर हीटेड इन ऑर्डर टू, क्यों करी जाती, क्यों करा जाता माय डियर, स्टीम जो होती है वो सुपर हीटेड क्यों करी जाती है इन ऑर्डर टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें चार पांच क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आप तापमान बढ़ा रहे हो, एक तो टर्बाइन में जंग ना लगे वो भी रीजन है, लेकिन इसके काफी सारे और रीजन है। शाबाश गाइस, ऑप्शन नंबर डी सर, तापमान बढ़ेगा तो अभी बताया रैनकाइन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा बताया आपने रिड्यूस द इनिशियल कंडेंसेशन लॉस, समझ लो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टीम जो है अगर बॉयलर से डायरेक्ट टर्बाइन में जाती तो स्टीम के ठंडे होने का चांस था, लेकिन जब तापमान बढ़ाकर भेज रहे हो टर्बाइन के अंदर तो स्टीम का टेम्परेचर एकदम से नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये रीजन है। और अवॉइड हाई टेम्परेचर इन द लास्ट स्टेज, ठीक है, ज्यादा तापमान भी ना बढ़े लास्ट स्टेज ऑफ टर्बाइन पर, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए सेचुरेट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। चलो बेटा नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इज टू, इकोनोमाइजर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, बेटा एक बार बताओ, तुम्हारे टर्बाइन के ब्लेड के अंदर उस ब्लेड का भी एक अपना मेटल का एक अपनी क्या क्षमता है, अगर तुम लास्ट स्टेज में और तापमान बढ़ा दोगे तो यानी आप तापमान को बढ़ाकर सुपर सेचुरेशन पर ले जाते हो, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए अदरवाइज ब्लेड डैमेज हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ये बताओ फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर शाबाश, तो यहां पर आंसर सभी ने सही दिया है सर जी, ऑप्शन नंबर डी, हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय द एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है सर, होता कहां पर है देख लो, ये रहा बच्चे इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर सुपर हीटर के बीच में आपका इकोनोमाइजर है, और इस इकोनोमाइजर के अंदर भी क्या एंट्री कर रही है सर जी, फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस कौन सी, मतलब हॉट गैसेस, ठीक है। तो ये है आपका इकोनोमाइजर, और इकोनोमाइजर का काम क्या है कि सर ये जो फीड वाटर से पानी आ रहा है इस पानी को हॉट वाटर में कन्वर्ट करके बॉयलर के अंदर भेजना, ठीक है। तो यानी यहां पर ये वाली बात सत्य साबित होती है कि जो भी इनकमिंग वाटर है उसे हीट करना एग्जॉस्ट गैसेस से या फ्लू गैसेस से। स्टीम पावर प्लांट में हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज रिकवर्ड, आज जनरेशन कंप्लीट करेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, आपका मैक्सिमम डिमांड लोड फैक्टर सब पर करेंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन होगा यार, राहुल सर ने बोला एक बार तो रिवीजन होगा।
क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा के जाओगे उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा एग्जाम के दौरान, तो जो एंजाइटी में प्रेशर में गलतियां हो जाती हैं वो नहीं होंगी तुमसे। हाँ अरे बताओ यार, इस बच्चे को मैंने सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए? यार देखो बच्चे कितनी जल्दी इल्जाम लगा देते हैं, एक बार जहमत नहीं, वही बेटा मैं घर आके बताऊंगा ना कि मैंने कराए, एक बार प्लेलिस्ट देख लिया करो यार, वहां पर इंडक्शन मोटर गलती से लगा दिया था, टीम से हो जाता है ऐसा, बट मैंने सवाल सिंक्रोनस के कराए, समझा करो भाई, ह्यूमन है, बहुत सारा काम चलता है, उनसे गलती से इंडक्शन लग गया था, मैंने रात में उस पे सिंक्रोनस लगवा दिया, ठीक है। इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर, ठीक है, इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर अभी बताया था तो इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रड, इसे याद कर लेना, ठीक है। इकोनोमाइजर इन ए स्टीम पावर प्लांट, इकोनोमाइजर इन ए स्टीम पावर प्लांट भैया क्या क्या करता है? सही है, मुझे जाके बताना पड़ेगा बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मजा आके चलता है, दिल पे मत लेना यार। चलो बताओ यहां पर क्या होगा आंसर। स्टीम पावर प्लांट जो है आपका, मतलब इकोनोमाइजर को इस्तेमाल करने का मैं फायदा क्या हुआ, हम इंजीनियर को चाहिए फायदा। सर जी देखो एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कितनी बढ़ा देता है, 10 से 12%। सर कितना फ्यूल का कंजप्शन बचा देता है, 5 से 15%, और अगर जरूरत पड़ी तो वाटर कैप प्रेशर को भी थोड़ा एक्सीड कर देता है बॉयलर के अंदर जाने से पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, तो यहां पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो अगर तुम्हें सारी पता है तो तुम कहीं भी मार नहीं खाओगे। चलो चलो बेटा, एयर प्री हीटर इन द पावर प्लांट, इसका क्या काम है? एयर प्री हीटर इन द पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट के अंदर एयर प्री हीटर का क्या काम है? ठीक है, एयर प्री हीटर इन ए स्टीम पावर प्लांट, बहुत बढ़िया गाइस, ऑप्शन नंबर डी। सर रिकवर द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस लीविंग द इकोनोमाइजर, इंप्रूव द कंबशन रेट, राइज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस गैस, ठीक है आओ देख भी लेते हैं कहां पर है ये। ये रहा बेटा एयर प्रीहीटर, तो आपका चिमनी बॉयलर इसके बीच का ये पार्ट आपका एयर प्रीहीटर है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखो, यहां पर भी क्या एंटर हो रही है, फ्लू गैसेस, तो यहां फोर्स ड्रॉट फैन लगाकर हम क्या करते हैं, हॉट एयर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, कंडेंसर इन द थर्मल पावर प्लांट आर यूज्ड फॉर कंडेंसिंग, बताओ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट आर फॉर कंडेंसिंग, ये तो आसान है, यही एक कारण है जिसकी वजह से क्या होता है स्टीम पावर
पावर प्लांट की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कंडेंसर जो होता है कंडेंस करता है स्टीम कमिंग आउट ऑफ, कहां से आती है कंडेंसर के पास स्टीम? सिंपल सी बात है सर, टरबाइन से आती है, इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना। लेकिन याद रखना लो प्रेशर पर, एक बात याद रखना यहां पूछा गया है कैसे आती है लो प्रेशर पर। ऑप्शन नंबर ए। स्टीम पावर प्लांट में वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस, बताओ बेटा। स्टीम पावर प्लांट में वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस, बहुत अच्छे आलोक, वेरी गुड। हमारे चैनल पे बहुत बढ़िया स्टफ है, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं। कंडेंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो स्टीम टर्बाइन साइकिल द लोएस्ट प्रेशर ऑकर्स इन, सबसे कम प्रेशर कहां पर होता है? अभी बताया था मैंने, ये बात मैंने अभी बताई थी, लोएस्ट प्रेशर कहां पर बनाया जाता है? सर अभी आपने बताया, देखो यार सिंपल सी बात है, प्रेशर भी कैसे चलता है हाइयर से लोअर, तो टरबाइन के अंदर एंटर होने से पहले स्टीम का प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। टरबाइन के अंदर गए तो स्टीम का प्रेशर, टेम्परेचर भी आपका लो हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मॉडर्न स्टीम टरबाइन सा, कौन सा टरबाइन यूज करते हैं हम स्टीम पावर प्लांट के अंदर? तो भाई आउटलेट का आएगा कहां पर? कंडेंसर में ही तो आएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने प्रेशर को क्रिएट करा है। स्टीम कहां से कहां चलेगी? हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर, ठीक है ना, जैसे करंट चलता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो कंडेंसर वाली जगह पर आप लो प्रेशर क्रिएट करते हो। चलो ठीक है राजन, नेक्स्ट। मॉडर्न स्टीम टर्बाइन सा, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन, सर जी ऑप्शन नंबर सी, इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन। लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, जलने पर आपको कम ऊष्मा देगा। लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन से कोल की है? लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, अच्छे लेवल के कोल है लिग्नाइट।
ठीक है, और सबसे ही बेकार होगी आपके पीठ की, ठीक है, लेग नाइट, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं, और ये कोल मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। विकास यादव, तुम्हें मैं कल से बता रहा हूं, जिस दिन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराऊंगा तो उस दिन आपके टेम्परेचर कॉफिशियंट के क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक बेटा, जिस बिटुमिनस की आप बात कर रहे हो वो सॉफ्ट बिटुमिनस होता है, ठीक है ना। सॉफ्ट बिटुमिनस लिग्नाइट बोथ आर यूज्ड। एंथ्रेसाइट ऑप्शन नंबर ए, उच्च कोटि का कोयला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी है कि कोयले को थर्मल पावर प्लांट के अंदर किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता भी एग्जाम में। ठीक yes, बहुत बढ़िया सर जी। स्टीम कोल ऑप्शन नंबर बी, बी स्टीम कोल, ठीक है। तो जैसे आपका घर पे नाम है ऐसे ही कोयले का भी नाम है, स्टीम को निकनेम। तो बताओ बेटा, भारत के जो कोयले होते हैं वो अमूमन कितने परसेंटेज प्रोड्यूस करते हैं राख। कितनी राख प्रोड्यूस करते हैं। देखो गाइस, एक्चुअली में यहां पर क्या है, 15 से 20% होता है, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, अब सुनो मेरी बात, ये जो ऐश होती है बेटा इसका यूज कौन करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। इसमें सर आरसीसी सीमेंट बनाने में और ईंटें बनाने में, ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी। इक्विपमेंट यूज फॉर पल्वराइजिंग, मतलब पल्वराइजेशन मतलब कोयला ऐसा होता है कूट के एकदम उसे क्या बना देना, चूरा। सिविल वाले, ये सही है, चलो बहुत बढ़िया। बता बेटा कौन सा इक्विपमेंट लगता है, बॉल मिल, इसका बॉल मिल, ठीक है। और बॉल मिल पर लेकर कौन जाता है, कन्वेयर बेल्ट से यूज करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसमें। पल्वराइज मतलब जो पाउडर वाला कोल है उसे यूज करने से फायदा क्या होता है।
राजन बच्चे तुम प्लस पर भी हो, तुमने मेरे लेक्चर नहीं देखे है ना, गलत बात है। वहां मैंने तुम्हें एंगल क्या सब कुछ दिखा भी रखी है, बॉल मिल। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पल्वराइज फ्यूल। एडवांटेज ऑफ यूजिंग पल्वराइज्ड, बिल्कुल सही बात है यार। जब आप पाउडर पुट करोगे तो क्या होगा, आपके फर्नेस में जल्दी आग लगेगी, तो बॉयलर से स्टीम भी जल्दी बनेगी, तो इजी कंबस्शन होगा, कंप्लीट कंबस्शन होगा, फास्ट रेस्पॉन्स टू लोड चेंज। ऑप्शन नंबर डी, यस। एक्चुअली बात क्या है, स्टूडेंट को क्या लगता है चैनल पर सब्सक्राइबर कम है तो छोटे टीचर हैं, ऐसे ही हैं ये, बड़ा चैनल है तो यानी बड़ा टीचर है, जबकि ये नहीं देखेंगे क्या कैसा उनका स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन है, कैसी फ्रीक्वेंसी है, किस लेवल का कंटेंट दे रही है टीम। नेक्स्ट बताओ यार, एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक अराउंड थर्मल पावर स्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये हर एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब कौन बच्चा मुझे बताने वाला है, अब इधर आ जाओ, तुम ना ट्रैक से भी एकदम ऐसे हो जाते हो। ये बताओ इसके अंदर एसी सप्लाई देते हैं या डीसी सप्लाई देते हैं, बच्चे ये सब आपका प्यार है, ठीक है ना, आप सबका बहुत ज्यादा प्यार है, सपोर्ट मिला और जीरो से शुरुआत करके आप सबने यहां तक पहुंचाया है, ठीक है, तो आपने हमें मोटिवेटेड किया, आप हमसे होते हो, वी बोथ मोटिवेट ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअली, आप हो तो अपन लोग हैं, और ये जो चैनल है ये तो इलेक्ट्रिकल को डेडिकेटेड है। कितना कितना रेंज बताओ, रेंज रेंज रेंज, अगर स्टूडेंट हो रेंज बताओ, कितना कितना कितनी वोल्टेज। शाबाश, कौन निकला यहां पर सबसे पहले, नेहा, बहुत अच्छे, 25 से 30 केवी के बीच, ठीक है, कहीं 36 भी मिल जाए तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना, 25 से 30 है ना, रिलेशन होना चाहिए सॉलिड एकदम। बेटा फर्म पावर कैसे देखते हैं, बेटा फर्म पावर के लिए माय डियर अभी आएंगे इंड्यूस फैन वगैरह के भी क्वेश्चन, डोंट वरी। फर्म पावर इमरजेंसी लोड के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ठीक है, दैट इज द फर्म लोड, इसे अलग से कैलकुलेट किया जाता है, ये लोड कर्व से नहीं मिलता है। चलो यस, कोल, नेक्स्ट बताओ यार, व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड फॉर।
चलिए बताओ। बिल्कुल, यहां पर ये देख रहे हो कितने प्यार से एग्जामिनर ने लिख दिया, रिमूव डस्ट पार्टिकल। और अपन भी अगर जल्दी जल्दी में हो तो टिक करके निकल लेंगे, तो ये गलती नहीं करने का। आगे भी पढ़ लो, बस बार कंडक्टर नहीं सर, डस्ट पार्टिकल जो फ्लू गैसेस से निकलते हैं उनसे, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी प्लेट होती है, डस्ट पार्टिकल जाएंगे अट्रैक्ट होंगे, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने कल सिंबल की क्लास भी कराई है स्पेशल पर, वो भी देख लेना, ठीक है। 40-50 सिंबल कराए हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के, तो कल मेरे प्रोफाइल में जाके फ्री क्लास है पूरी की पूरी, वो भी देख लेना। नेक्स्ट, बेटा आप तो यूपीपीसीएल के लिए रिवीजन करो, नोट्स उठाओ, अपना समय यूट्यूब पर तभी व्यतीत करो कुछ अच्छा कंटेंट मिले, आपका रिवीजन हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा खुद को समय दो पढ़ने में, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या काम करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। आप चलो, बढ़िया बढ़िया गाइस, शाबाश। किसके बीच में लगता है? अब देखो यही थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा यहां है गाइस, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। इंड्यूस्ड फैन के नहीं, एयर प्रीहीटर और इंड्यूस्ड फैन के बीच में, उसके बाद चिमनी से तो निकल चला जाता है, समझ गए बात, इस बात का ध्यान रखो, ये लोकेशन है इंपॉर्टेंट, एयर प्रीहीटर और इंड्यूस्ड फैन। हाँ, यहां आके अपन YouTube पर क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो अच्छे से, रिवाइज कर सकते हो, समझ सकता हूं, कभी कभी नहीं हो पाता अकेले रिवाइज। ऑप्शन नंबर बी, अब बताओ। आर्टिफिशियल ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ड्रॉट मतलब बाय कूलिंग, हवा का सर्कुलेशन प्लांट के अंदर, हवा का सर्कुलेशन प्लांट में, इसे कहते हैं बेटा ड्रॉट। तो तीन तरीके के ड्रॉट है, नेचुरल ड्रॉट, इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स फैन ड्रॉट। तो बताओ आर्टिफिशियल कौन सा हुआ? सर जी ऑप्शन नंबर डी, फोर्स फैन, इंड्यूस्ड फैन और इंड्यूस्ड एंड ड्रॉट फैन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल ड्रॉट। अब फोर्स्ड वाले में कैसी हवा आ जाती है ये बताओ, गर्म की ठंडी, कूल एयर, यहां पर हॉट एयर, ये भी याद रखना। नेचुरल ड्रॉट कौन से प्लांट में यूज करते हैं? यस, अभी मैंने यहां पर लिखवाया बच्चे, इंड्यूस्ड के अंदर हॉट और फोर्स्ड के अंदर कूल्ड। नेचुरल ड्रॉट ये बताओ, नेचुरल ड्रॉट कौन से किसके लिए यूज करते हैं, कैसे प्लांट के लिए? सर जी ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। ये जितने भी छोटे प्लांट होते हैं उसके लिए यूज करते हैं अपन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो और अपनी भी ट्रिक्स बनाया करो ज्यादा से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका एक घाटा है नेचुरल ड्रॉट का, क्या घाटा है मेरे बच्चे, कि टेम्प जो एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट से यह अफेक्ट होता है प्रोसेस, बाहर का टेम्परेचर जैसा होगा ड्रॉट भी वैसे का वैसा ही इफेक्ट होगा नेचुरल, इसलिए इसे कम यूज करते हैं, छोटे प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं, और जो चिमनी होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल ड्रॉट के लिए। पोस्ट ड्रॉट जो होता है बेटा कहां पर सेट होता है, ब्लोअर,
अंजीत चलो नेक्स्ट। फॉर ब्रॉड द ब्लोअर इज लोकेटेड, सर ऑप्शन नंबर सी, नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, है ना। आपका जो बॉयलर होता है उसका जो ग्रेट होता है उस ग्रेट के पास में लगा होता है पॉज डॉट पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चिमनी के पास रहता आपका इंड्यूस्ड। बताओ यार कितना पानी यूज करते हैं बॉयलर के अंदर, और उसके पीछे का रीजन भी देना ऐसा क्यों। पीएच वैल्यू क्या होती है पानी की पावर स्टेशन में, शाबाश। 8.5 सर जी, तो 8.5 कैसा हो गया सर जी, बेसिक बेसिक वाटर। और बेसिक वाटर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि तो अगर एसिडिक वाटर बॉयलर में देंगे तो बॉयलर डैमेज हो जाएगा समय के साथ साथ, ठीक है। 8.5 यहां पर हुआ थर्मल पावर का समाप्ति। ये देखो यार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लो एक बार, न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर आपका हीट एक्सचेंजर, और ये पूरा का पूरा पार्ट चलता है रैंकाइन पर, और ये वाला भाग रिएक्टर चलता है कौन से पे सर जी, फ्यूजन पर। लेकिन आज की डेट में यूके फ्रांस फ्यूजन पे भी लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको फ्यूजन ही लगाना है, साइंटिस्ट नहीं बनना। चलो बताओ यार, वन फ्यूजन ऑफ 235 कितनी एनर्जी रिलीज करता है। अरे यार बेस्ट एस्ट कुछ नहीं है, बस आप सबका प्यार मोहब्बत है, कभी नहीं सोचा था अपन ने लाइफ में, ठीक है। कुछ बेहतर करने की कोशिश होती है, एफर्ट डालता हूं, दैट्स इट। स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, सवाल बनना चाहिए, बाकी तो आपका अपना नजरिया है। तब बताया यार 235 रिलीज करता है एनर्जी, कितना करता है, रटा हुआ रहना चाहिए, देख लो। बिल्कुल सही सर जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख रहे हो कितना है। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन के, यहां से इसकी डेफिनेशन तुम सब जितने भी स्टूडेंट हो इस के की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो ये एक साथ दो, एक पंथ दो काज वाला सवाल है, याद होना चाहिए के क्या होता है, ठीक है। यानी आपका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, फोड़ कर आओगे पक्का, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। देखो यार अब आपको क्या कह रहा है कि ये यहां पर आपको रिएक्टर से पावर को बढ़ाना है, तो यानी आपको ज्यादा जनरेशन करना होगा न्यूट्रॉन का। तो सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, राइज करेंगे के की वैल्यू को, लेकिन बाद में हम लेकर आएंगे उसे वन पर,
क्योंकि के बराबर वन जो वैल्यू होती है वो होती है क्रिटिकल क्रिटिकल स्टेबिलिटी बताता है प्लांट की। तो अब मुझे ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, पहले इंक्रीज करेंगे फिर वापस डिक्रीज करेंगे। अगर इंक्रीज करते रहोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक जनरेशन के अंदर, तो भाई प्लांट अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हाथ से, न्यूट्रॉन जो है हाथ से निकल जाएंगे, बन जाएगा परमाणु बम। चलो नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, पता है बेटा मंदक का क्या कार्य होता है, मंदक का क्या कार्य होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सर जी इसका काम होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, यह रिएक्शन को कंटिन्यूअस बनाए रखने में मदद करता है, स्टॉप कभी नहीं करता, स्टॉप नहीं करता है, याद रखो। क्यों? क्योंकि तो न्यूट्रॉन की टक्कर एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ होनी चाहिए, अगर उस स्पीड में उतार चढ़ाव हुआ तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्रेफाइट, ये तो तुम सबको पता होगा किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट एज ए, सर जी मंदक का काम करता है। ठीक है, याद रखो डायरेक्ट बताओ, कैन नॉट बी यूज्ड एज मॉडरेटर, इनमें से किसका इस्तेमाल अपन लोग मॉडरेटर की तरीके से नहीं करते। भाई देखो ये वो जो होता है बेरिलियम, ये रिफ्लेक्टर की तरीके से भी काम करता है, ये मंदक की तरीके से भी काम करता है, ड्यूटेरियम नहीं करता, लेकिन D2O यूज करते हैं अपन। ठीक है, ड्यूटेरियम का यूज नहीं करते, D2O का यूज करते। ठीक है, दैट इज द हैवी वाटर, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेफाइट का, हैवी वाटर का, बेरिलियम, ये रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करता है भाई। यस, बहुत अच्छे मंजी, शाबाश। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। बताओ मतलब सबसे ज्यादा कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, देख लो। अब ये बात प्रूव हो जाएगी कि बेरिलियम का इस्तेमाल न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। बताओ जल्दी, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका ग्रेफाइट, फिर आपका कौन सा होता है बेरिलियम, और फिर होता है बच्चे सबसे लास्ट होता है हैवी वाटर का, क्योंकि हैवी वाटर जो यूज होता है मेन पर्पज है कूलेंट का। ठीक है, तो एब्जॉर्ब मंदक की तरीके से भी काम करता है लेकिन कम इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहला ये, फिर ये, फिर ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, याद रखो इसे।
सबसे पहले ग्रेफाइट, देन बेरिलियम, देन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा, ठीक है ना, ग्रेफाइट, बेरिलियम और आपका हैवी वाटर, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गलती नहीं करने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ काफी सारी जानकारी देता है ये क्वेश्चन। बताओ विच ऑफ द मटेरियल यूज टू कंट्रोल चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल कर रहा है अब, ठीक है, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, मंजीत हमारी क्लास का अच्छा जोक्स क्रैकर है, कौन सा मटेरियल यूज्ड करेंगे अपन चेन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडमियम और बोरोन सर, ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल रॉड्स, यार ये तो उड़ा दोगे अभी, अभी क्या, कंट्रोल रॉड्स यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ, नेक्स्ट, हैवी वाटर यूज्ड इन प्लांट, अभी बताया मैंने इसका आंसर, बेटा ऐसे तो बहुत सारे होते हैं आपके सले, बस जो इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करो, सर आपने बताया कूलेंट भी होता है मॉडरेटर भी होता है, ऑप्शन नंबर बी और डी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज कूलेंट, कूलेंट, कूलेंट के लिए आप किसका यूज करेंगे यहां पर, हैवी वाटर, सीओ टू, हीलियम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव, कूलेंट, ठीक है ना भाई, सीओ टू का भी इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसका भी यूज करते हैं और इसका भी यूज करते हैं, फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, वाई, अब बेटा इसके लिए तो मैंने पढ़ाया है तो वाई भी बताया है और आंखों से दिखाया भी है, वो आप पढ़ोगे नहीं वो मुझे घर जाके बताना है ना, चिक चिक कर बोलता हूं भाई, यूट्यूब पर लेक्चर फ्री है, फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर इन ए न्यूक्लियर रिएक्ट, जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने रिफ्लेक्टर बेरिलियम का, कोई भी गलत नहीं करेगा सर जी, अभी आपने बताया था बाउंस बैक करता मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, जो ऐसे न्यूट्रॉन्स होते हैं ना काफी, जिनके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाती है रिएक्शंस में, तो क्या करते हैं भागने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर जो इसकी कॉन्क्रीट की दीवार होती है उसके ऊपर बेरिलियम लगे होते हैं, तो बेरिलियम से टकराकर वापस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिड्यूस स्पीड मॉडरेटर, स्टॉप करने के लिए कैडमियम और बोरोन,
बता बेटा, रेडिएशन जो शील्ड होती है आपका बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए हैवी रिएक्टर में, आप किससे कवर करते हैं इसे? बताओ बच्चे। नहीं, स्टील का यूज नहीं करते बच्चे, ये पूरा का पूरा अभी मैंने आपको बताया था कंक्रीट की वॉल का इस्तेमाल करते हैं आप डियर, और इसके अंदर लेड भी मिलाते हैं क्योंकि लेड जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, शाबाश। एम्प्लॉयड एज ए मॉडरेटर बाय द कैंडू, जो कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम होता है आपका। रिएक्टर उसके अंदर आप मॉडरेटर किसका यूज करते हैं? हाँ, जो आपका वेस्ट निकलता है बच्चे उसे लेड बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं। कौन है भाई ये? निखिल, बहुत अच्छे बच्चे। लगा दो, हैवी वाटर याद रखना, कनाडा हैवी वाटर, कनाडा हैवी वाटर। सर क्लास कब होगी बच्चे? क्लास तो हो रही है, या कब खत्म होगी? क्वेश्चन क्या है, कहना क्या चाहते हो भाई? चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड बाय द स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन? दो बजे ऑप्शन नंबर ए बच्चे, मिलता नेचर से ये है, केरला के तटों पर हमें जो मिलता है इसे कहते हैं येलो केक, यूरेनियम का दूसरा नाम भी है, तो केरला के तटों पर ये मिलता है, इसे अपन कन्वर्ट करते हैं 235 में, और रिएक्टर में 235 इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक देखो, क्लास कभी भी खत्म हो सकती है यार, तुम बस अपना मोबाइल फोन बंद कर दो, क्लास खत्म, और नहीं तो क्या। चलो, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, इन्हें थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा कथन सही है? चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें दे जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, पर्पस ऑफ मॉडरेटर सर न्यूट्रॉन को स्लो करना, पहला कथन सही है, ठीक है। मॉडरेटर का इस्तेमाल हैवी वाटर वगैरह का क्यों करते हैं? इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये अच्छे से क्या कर पाती है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर पाते हैं, वेट कम घनत्व ज्यादा, ठीक है। दूसरा, ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूज्ड एज मॉडरेटर विद द नेचुरल यूरेनियम, ये कथन गलत है, ऑर्डिनरी नहीं, तभी तो हैवी वाटर करना पड़ता है, ऑर्डिनेट वाला कहां यूज होगा, BWR में। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा स्लाइटली हल्का सा एक से ऊपर रखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का, फिर वापस के बराबर वन पे ले आते हैं। अगर इससे बहुत ज्यादा हो गया, के से ज्यादा, तो न्यूट्रॉन्स का जनरेशन बहुत ज्यादा होगा प्लांट में, प्लांट विल गेट डैमेज्ड। ऑप्शन नंबर डी भैया लगाओ, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा जहां पर था, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा? तो यहां से ये क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम में कि जो मॉडरेटर आप इस्तेमाल करते हैं उसका मॉलिकुलर वेट कैसा होना चाहिए? लो मॉलिकुलर वेट गुरु जी। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। टर्बाइन कन्वेंशनल जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो थर्मल पावर प्लांट के मुकाबले स्टीम कैसी यूज करता है, प्रेशर कैसा यूज करता है? बता बेटा। देखो यार हमेशा याद रखना, रैनकाइन पर तो आप यूज करते हैं, रैनकाइन का रिक्वायरमेंट ही क्या होता है? टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई, तभी एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को फ्रेम भी करा आपके लिए, क्योंकि उसे पता था स्टूडेंट यही समझ के आंसर लगाएगा। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर माय डियर हम लो प्रेशर लो टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो भी टरबाइन होता है वो थर्मल के मुकाबले लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर यूज करते हैं हम वहां पर, ठीक है, बिकॉज एक लिमिट से ज्यादा आप हीट एनर्जी नहीं ले सकते रिएक्टर से। अगर ज्यादा लोगे तो भाई क्या होगा, प्लांट को अनस्टेबल स्टेज में ले जाना होगा, जिसकी वजह से हम समझ रहे हो ना चेर्नोबिल बनने की कंडीशन आ जाएगी। तो इस रीजन से अपन लो ही प्रेशर लो टेम्परेचर यूज करके करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखो। ये क्वेश्चन इसलिए ही उसने फ्रेम करा है, ठीक, वरना क्या होगा आपका, क्योंकि तो आप रिएक्टर से ज्यादा लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर नहीं ले सकते, वरना तुम्हें कहां ले जाना पड़ेगा प्लांट, सर उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, सोडियम ग्रेफाइट, ये लास्ट सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये सोडियम ग्रेफाइट के ऊपर। सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर यूज, बेटा सोडियम का इस्तेमाल भी होता है कूलेंट के अंदर, ये एक नया पॉइंट है, तो कूलेंट के अंदर सारे आप पॉइंट लगा सकते हैं, हैवी वाटर, CO2, हीलियम, सोडियम, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और ग्रेफाइट होता है मंदक की तरीके से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और आपका हाइड्रो पावर प्लांट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आते हैं लोड कर्व के ऊपर, ये न्यू टॉपिक है। बताओ बेटा एरिया अंडर द लोड कर्व क्या बताता है? ठीक है, तो यहां रिवीजन अपना हो चुका है बढ़िया मोड पर, और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मिला होगा। एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट, जल्दी बताओ। ओहो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यही सब गलतियां करते हो तुम तो, बहुत ज्यादा। अरे बच्चे
एवरेज डिमांड एरिया अगर मैंने आपको ये दिया लोड कर कुछ इस तरीके से और आपने निकाल दिया इसका एरिया, तो एरिया आपको बताता है नंबर ऑफ यूनिट जनरेट, ठीक है। तो ये पता चलता है आपको एवरेज डिमांड, ऑप्शन नंबर डी ई, ठीक है, कंजप्शन नहीं बताता, ठीक है, अभी आगे पता चलेगा। और एरिया डेली लोड कर डिवाइडेड बाय 24, अब बताओ चलो चलो यार, जब आप एरिया निकालोगे चलो ये बताओ 24 से करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज लोड फॉर द डे, एवरेज लोड फॉर द डे, ठीक है, यानी आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेट हुई, एक मिनट गाइस, वेट ए मिनट गाइस, ठीक है, जब आप इसे समय से डिवाइड करोगे तो एक दिन का आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज लोड, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट जनरेट करना, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम करना, एक मिनट गाइस, सही, प्लीज गाइस, यहां पर आप देखो, यहां पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो स्टेशन का। लोड कर्व जो होता है किसी भी पावर स्टेशन का कैसा हो सकता है, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप या जीरो स्लोप। अरे बफर कर गया क्या, एक मिनट गाइस, बफर तो नहीं करना चाहिए यार, ये बीएसएनएल क्या करे है? अब नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है भाई, मान लो नेगेटिव स्लोप डिमांड घट गई, पॉजिटिव स्लोप बढ़ गई, स्थिर रही डिमांड, तो कैसा भी स्लोप आ सकता है, समझ गए बात। मेगावाट और समय काल, इसके बीच का ग्राफ, लोड कर्व, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है। बड़ा लोड कर्व हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लोड कर्व से हमें क्या जानकारी पता चलती है, बताओ डा, ये बताओ अगर मैं कोई भी, मेरे पास किसी भी शहर का एक लोड कर्व है, तो क्या मैं अपनी जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं लगा सकता वहां पर शेड्यूल, बिल्कुल लगा सकते हैं, हमें यह पता चल जाए 6 मेगावाट की वहां पर मैक्सिमम डिमांड है किसी जगह, तो हम जो जनरेटिंग कैपेसिटी लगाएंगे 8 मेगावाट की लगा देंगे, कितनी लगानी है, चाहे 2 मेगावाट की 4 लगा दो वो भी बता सकते हो, तो सर बोथ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे गाइस। लोड कर्व ड्यूरेशन गिव्स, लोड ड्यूरेशन कर्व गिव्स, बेटा आपको यह पता चल गया भाई 8 मेगावाट का प्लांट लगाना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं 2 मेगा, अब एक जनरेटर तो लगाऊंगा नहीं, 2 मेगावाट के 4 जनरेटर लगा दूंगा,
जिससे पैरेलल ऑपरेशन भी कर देंगे इन सबके बीच में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, कोई खराब भी होगा तो बाकी के लोड ले लेंगे। ठीक है बेटा, लोड ड्यूरेशन क्या बताता है आपको? ठीक है बेटा, ये बताता है आपको कि नंबर ऑफ आवर्स के लिए लोड ड्यूरिंग, मतलब हर घंटे, मान लो आपका लोड ड्यूरेशन कर्व कैसे होता है सर, मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मान लो हमने कहा 8 मेगावाट 4 घंटे के लिए रहा लोड, ठीक है, 20 घंटे के लिए 6 मेगावाट रहा, ठीक है, इस तरीके से आप लोड कर्व बना सकते हो। ऑप्शन नंबर सी कि कोई भी पर्टिकुलर आवर, चलो गाइस बताओ ना, ओके, ठीक है ना, हो जाता है यार, ये सब टेक्निकल चीज है, जानते हो ना। चलो बताओ यहां पर आंसर क्या है। ठीक है गाइस, देखो सिंपल सी एक ही बात सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनिट्स नहीं, क्योंकि आप लोड कर्व पर है तो यहां तो मेगावाट है, ठीक है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टाइम इंटरवल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग ए पीरियड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होती डियर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड में बनी रह सकती। नेक्स्ट बताओ बेटा, डिमांड फैक्टर जो होता है ग्रेटर देन वन स्मॉलर देन वन, बिल्कुल सही। देखो यार, एक डायवर्सिटी फैक्टर आपका ऐसा होता है जो ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, तो यहां पर यह क्या होता है आपका हमेशा लेस, ठीक है, लेस देन यूनिटी। बताओ बेटा लोड फैक्टर क्या होता है आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने, एवरेज ओवर मैक्सिमम सर जी, ठीक है, एवरेज ओवर मैक्सिमम। नेक्स्ट, लोड फैक्टर किसी भी प्लांट का क्या होता है, लोड फैक्टर किसी भी प्लांट का क्या होता है, लेस देन की मोर देन, लेस देन वन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई वगैरह में क्वेश्चन फ्रेम भी होता है, इंडस्ट्रियल लोड फैक्टर कितना होता है,
आज स्पेशल क्लास का अपना रहेगा ऑफ, ठीक है? ठीक 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 हो जाएंगे क्वेश्चंस। आज स्पेशल क्लास ऑफ रहेगी टुडे के लिए, ठीक है? आप मेरे प्रोफाइल में पावर सिस्टम, यूईटी, नेटवर्क, मशीन्स सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं बच्चे। यूट्यूब से आप इन सारी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। स्विच गियर प्रोटेक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशंस, ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो यार, आप रिवाइज किया हो अच्छे से। कुछ क्वेश्चन रह गए उन्हें कल कर लेंगे अपन।